स्पा सेंटर में इस तरीके से देह व्यापार का धंधा चल रहा है। तो आज मैं वहाँ आया जी, घंटे की 1000 रुपये उनकी एक घंटे की थी। तो इस हिसाब से सर्विस लेना चाहते हो, जिससे जैसे वो सर्विस बोलते हैं सेक्स को, वहाँ से बाहर निकले। उसके बाद में हमें धमकियाँ भी मिल रही हैं। हमें टोटल इसमें प्रूफ मिला है कि वहाँ जो सेक्स रैकेट का धंधा है, सर मसाज करवानी है तो उन्होंने मेरे को रेट बाहर का बता दिया। तो हमने पूछा कि बाकी सर्विस, वो बोले अंदर लड़की बताएगी। पंकज सोनी, कहाँ के रहने वाले हो सर? मैं संग्रिया से हूँ, वैसे हनुमानगढ़ से। तो मेरा न्यूज़पेपर यहाँ भी चल रहा है, लोकेश केसरी के नाम से। तो क्या पूरा मामला था, किस तरह आपने स्टिंग किया स्पा? सर हमें लोगों की जैसे शिकायतें वगैरह काफ़ी मिल रही थी भी, इस स्पा सेंटर में इस तरीके से देह व्यापार का धंधा चल रहा है। तो आज मैं वहाँ एज ए कस्टमर बन के गया, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने 500 रुपये एंट्री फीस आधे घंटे की ली, 500 आधे घंटे की, 1000 रुपये उनकी एक घंटे की थी। तो इस हिसाब से उनसे जो भी डील हुई बाहर हुई, उसके बाद रूम में चले गए, लड़की साथ में भेज दी गई। लड़की से अंदर जाने के बाद जो डील हुई, तो लड़की ने यही कहा कि मुझे 1000 रुपये बीट टू बीट, और अगर आप सर्विस लेना चाहते हो, जैसे जैसे वो सर्विस बोलते हैं सेक्स को, ठीक है वो, तो सर वो उसी जैसे सिस्टम को इस रूप से पेश करते हैं कि वो अलग ही सिस्टम दिखता हुआ। तो उन्होंने मेरे से 1200 रुपये मांगे, मैंने उनको डन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दे देंगे। तो उन्होंने जो करना था सब कुछ किया। जब लास्ट टाइम आया तो हम लोग वहाँ से बाहर निकले, उसके बाद में हमें धमकियाँ भी मिल रही हैं। हमें टोटल इसमें प्रूफ मिला है कि वहाँ जो सेक्स रैकेट का धंधा है चल रहा है। कौन सा स्पा सेंटर, मतलब कहाँ ये बना हुआ? सर ये लालबत्ती चौक के बिल्कुल पास में रॉयल स्पा सेंटर है, अंडरग्राउंड में बना हुआ है जी। तो उसके ओनर ने हमें काफ़ी गालियाँ वालियाँ भी निकाली हैं, अभी फ़ोन पर धमकियाँ भी दी हैं। कौन है सर इसका ओनर? सर इसका ओनर का नाम तो मेरे को पता नहीं है, वो खींची करके कुछ नाम आ रहा है जी। तो वो लोग काफ़ी धमकियाँ दे रहे हैं, उनके नंबर आप कहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। नहीं तो अंदर किस तरह से सिस्टम चला, कैसे मतलब जो आपको सेक्स क्रॉसा गया, या क्या बातचीत क्या हुई अंदर? सर अंदर बातचीत यही हुई कि आपको मसाज पार्लर में अगर मसाज करवानी है, तो उन्होंने मेरे को रेट बाहर का बता दिया। तो हमने पूछा कि बाकी सर्विस, वो बोले अंदर लड़की बताएगी। ठीक है सर, हमारे कैमरे चालू थे, कैमरे वगैरह हम लगा के गए थे, अंदर की भी वीडियो है। तो उन्होंने अंदर जाने के बाद वो सारी चीज़ बढ़िया तरीके से हमें पेश की कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, तो उसका ये रेट है। तो उन्होंने हमें रेट बताया, रेट तय किया। तो ये लमसम 15 मिनट तक ये सारा सिलसिला चला हमारा। तो लड़की कहाँ की थी, क्या उम्र की थी? लड़की की उम्र होगी लगभग 28+ होगी लगभग, और लड़की लोकल सिरसा की थी। तो लड़की की बातों से लगा कि कब से ये धंधा कर रहे हैं, या कब जो आपने बातचीत करी होगी तो उसके बातचीत में चला सिस्टम? नहीं सर, ये धंधा तो रोज़ का ही है सर, इनका रोज़ाना का धंधा है सर ये। आज से नहीं है, लगभग 4-5 साल से ये स्पा सेंटर चल रहा है। तो ये हमारे आगे जो न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़ के लिए हमारे पास जो ये बात आई, अब आई थी, तो अब आई जब हमने स्टिंग किया, तो हमें वो सारी चीज़ें सही पाई गई जो न्यूज़ के लिए हमें देनी चाहिए। तो एसपी साहब से आपकी बात हुई है? एसपी साहब से मेरी बात हुई, एसपी साहब ने कहा फ़ोन पे आवाज़ नहीं आ रही, आप मेरे को व्हाट्सएप पे सारा लिख कर डाल दें और वीडियो भेज दें। तो इसमें जो आपने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आपकी बाहर से लेके अंदर तक है सर? एंट्री करने से लेके बाहर वापस आने तक टोटल वीडियो है। अब उनके एलिगेशन जो है, वो मैसेज हमें डाल रहे हैं कि आपने जो पैसा मांगा आपके घर भेज दिया जाएगा, ये वो एलिगेशन लगा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें कह रहे हैं कि हमने अपना मीडिया का नाम बताया कि हम मीडिया से हैं, तो आगे वो हमें इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि आपने पुलिस का कहा, हमें ब्लैकमेल किया, लड़की के साथ ज़बरदस्ती की, लेकिन हमारे पास वो टोटल प्रूफ है अंदर जाने से लेके बाहर आने तक का। मेरा चंद्र है जी साहब, एक्चुअल में क्या बात है, सुनो मेरी बात। हाँ जी, हाँ जी। तो 4 कस्टमर आए, ठीक है ठीक है, एकदम नोट कर लियो बात जी। एक्चुअल बात है भाई, बताऊंगा था ना, तो ना एक्चुअल बात बता दो जी मेरे, क्या बात थी बस। वो आए, हाँ लड़की मेरे पास बाहर आई, उसके बाद सर 1000 रुपए टिप दे रहा है मेरे को कस्टमर। 1000 रुपए की टिप दे रहा था? टिप दे रहा है मेरे को, सुनते जाना बात है। हाँ जी, 1000 रुपए टिप दे रहा है तेरे को, मतलब चल कोई बात नहीं, तेरा बाहर आ गया कोई दिक्कत नहीं है मेरे, क्या बात होगी, बाहर आगे मैं बात कर लूंगा, ठीक है। 1000 रुपए मेरे को, टिप कैसे दे रहा है 1000 रुपए? और बाहर आके उन्होंने क्या किया, तो आप सेक्स करते हो, सुनते जाना बात है जी जी। मैंने उनको ये बोला, जो पार्टनर यहाँ हाँ जी सेक्स करवा रहे हैं, वहाँ का देखो और मेरे पार्टनर की पहले तो रिकॉर्ड देखो, मेरे पास 6 से 7 से एंट्री से अलावा एंट्री नहीं होती, और जो सेक्स करवाते हैं उन पार्टनरों का देखो क्या हाल है, 20 से कम एंट्री नहीं रहती, ठीक है। मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना ही मेरे पास स्टाफ है, इसी वजह से मेरे पास स्टाफ नहीं रुकता, अभी मैं करने नहीं देता कुछ, इसी वजह से मेरे पास स्टाफ नहीं रुकता, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती सर।
अगर एक दो लड़कियों ने ऐसी बात की थी जिनका पता लगा उनको मैंने निकाल भी दी थी पहले। यू एक्चुअल में क्या है पता हूँ क्या हुआ था। हाँ जी। उसका बाद में पता, वो निकल गई उसके बाद, उसके बाद पता चला एक्चुअल कहानी क्या थी। एक्चुअल में वो मसाज कराने के लिए अंदर घुस गया, अंदर घुसने के बाद उसने लड़की से जबरदस्ती की, उसका कोई ये सूट के ऊपर से वो फट गया। ओके। उसने उसको कहा भी कोई बात नहीं तू जिक्र मत कर, मैं तेरे को 1000 रुपए टिप दे देता हूँ। जी। लड़की चुप हो गई। जी। वो 1000 रुपए की बात थी ये। बाहर आके उन्होंने 1000 रुपए ना देने पड़े, उसके चक्कर में ये बोल दिया। मेरे को भी लगा उस टाइम के लिए, सर एक बात बताओ स्टाफ लेके आते अपने कोई किसी के अंदर तो घुस के नहीं निकले ना। मेरे को भी शक हो गया, मैं क्या यार कहीं सच में ना हो गया कुछ, कोई दिक्कत है। जी जी। फिर वो चले गए, उसके बाद एक्चुअल कहानी का पता चला भी ऐसे ऐसे करके मेरे, उसने मेरे को जोर से पकड़ के किया और वो मेरा सूट पट गया था। मैं बाहर आ रही थी तो उन्होंने पकड़ के बोला भी ऐसे ऐसे करके मैं पैसे दे देता हूँ, आप कुछ मत करो।